देश भर में लॉकडाउन के चलते अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है दिहाड़ी मजदूर। काम नहीं होने पर इनके सामने खाने की समस्या खड़ी हो चली है और ये अपने घर लौटने को मजबूर है। कसरोल में लवन पुलिस ने एक कंटेनर से ऐसे ही 25 मजदूरों को पकड़ा है। ये हैदराबाद से बिहार के भागलपुर जाने के लिए निकले हुए थे। बताया गया है कि ये सभी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करते हैं जो लॉकडाउन के चलते बंद हो गए, लिहाजा कोई काम नहीं होने की वजह से मजदूरों को घर लौटना पड़ रहा है। और इसी बीच वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इन मजदूरों को एक कंटेनर से पकड़ा और फिर इनके लवन हायर सेकेंडरी स्कूल में रहने की व्यवस्था की गई है। सभी मजदूरों की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। हालांकि सवाल अभी ये उठता है कि जब राज्यों की सीमाएं सील हैं तो फिर कैसे ये 25 लोग एक साथ एक ही वाहन में सवार होकर छत्तीसगढ़ हैदराबाद से छत्तीसगढ़ जा पहुंचे। चलो नहीं सर, हम लोग ट्रांसपोर्ट टीवी में देखे थे कि गाड़ी जाने दे रहा है, इसलिए हम लोग चले थे। कितने लोग हैं अभी? 25 लोग हैं। कितने लोग थे कंटेनर में? 25। बिहार में कहाँ कहाँ जा रहे थे? बिहार में 6-7 ड्राइवर थे, एक ही गाँव के, बाकी 8-10 किलोमीटर के आसपास के सब हैं। हैदराबाद से कंटेनर में ORC कंपनी में सभी काम करते हैं और अभी कोरोना वायरस को लेकर इनका काम बंद होने से इन लोग हैदराबाद से भागलपुर जा रहे थे कि यहाँ चेकिंग के दौरान डोंगरी डीम पकड़ा गया है, इनके खिलाफ धारा 188 कार्रवाई की जाएगी। रैंडमली चेकिंग के दौरान वाहन में इस तरह से ट्रैवल करते हुए पाए गए हैं, ये सभी हैदराबाद से भागलपुर जा रहे थे। अभी इनको इनके रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है और साथ ही इनके विरुद्ध में जो कानूनी कार्रवाई है वाहन चालक के खिलाफ में, वो भी क्या कार्रवाई करेंगे 188 IPC और MDX के। छिंदवाड़ा के नगर परिषद के साथ